रहीम लास्ट टाइम हमारा लेक्चर डिस्कशन वॉज ऑन सर्विस रिटेलिंग आज उसी टॉपिक को फर्दर हम कंटिन्यू करते हुए सर्विस रिटेलिंग की टाइप्स को स्टडी करेंगे हमारे पास यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देर आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस रिटेलर्स सबसे पहले हमारे पास पर्सनल सर्विस रिटेलर्स हैं उसके बाद हमारे पास अम्यूज़मेंट सर्विसेज रिटेलर्स हैं फिर हमारे पास रिपेयर सर्विस रिटेलर्स हैं और लास्ट में हमारे पास होटल एंड रिजॉर्ट्स सर्विस रिटेलर्स है तो ये चार तरह की टाइप्स हैं जिसको हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे डिस्कशन के लिए तो सबसे पहले हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट टाइप ऑफ सर्विस रिटेलर के ऊपर विच इज़ पर्सनल सर्विसेज रिटेलर अब ये रिटेलर कौन है सो दीज आर द रिटेलर्स जो कि सेल कर रहे हैं सर्विसेज टू दी एंड कंज्यूमर थ्रू समल्स सो so, ये कौन लोग हैं हमारे पास देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स विच आर अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज वेल और अगर मैं यहाँ पे आपको बता चाहूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं हेयर सेलून की हम बात करते हैं किसी बार्बर शॉप की हम बात करते हैं किसी रिपेयर एंड मैंटेनेंस आउटलेट की स्पा इज़ वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल्स डेंटिस्ट जिम फिटनेस क्लब तो ये तमाम और इस तरह की और बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो कि विच यू विल फाइंड जो कि पर्सनल सर्विसेज रिटेलर के पैरामीटर के, के अंदर कवर होती हैं हमारे पास अगर आप इवेल्यूएट करेंगे तो ये सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड भी है मौजूद और अनऑर्गेनाइज्ड भी है अगर एक नज़र इसको हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइज क्या है वो तमाम लोग जो कि पर्सनल सर्विस रिटेलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं सो विच मीन्स दे विल बी ऑर्गेनाइज सेक्टर अवेलेबल दूसरे तरह के लोग वो हैं जो कि अनऑर्गेनाइज लोग काम कर रहे हैं ये वो लोग हैं कि जो कि बिल्कुल भी किसी भी अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से काम कर रहे हैं और बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है और इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमारे पास मैं भी आपसे आगे शेयर भी करता हूँ इसी तरीके से हमारे पास ये जो पर्सनल सर्विस रिटेलर हैं ये दो तरह के मौजूद हैं कुछ ऐसे हैं विच आर चेन स्टोर्स चेन रिटेलर्स जिसमें हमारे पास देर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स अगर हम बात करते हैं लेट्स से हेयर सलून और स्पा की वन ऑफ द एग्जांपल हमने अपने गुज्त लेक्चर्स के अंदर इसको ऑलरेडी डिस्कस भी किया जिसके अंदर हमें पता है कि दे आर ऑपरेटिंग विद अ चेन चेन ऑफ ऑफ स्टोर्स दिस सर्विस रिटेलर्स और वो पर्सनल सर्विस रिटेलर की क्राइटेरिया के ऊपर फॉल करता है इसी तरीके से सिंगल स्टोर की एग्जाम्पल्स भी हमारे पास बहुत सारी हैं जो कि सिंगल सर्विस रिटेलर्स इट कैन बी मिस्टर ए हेयर सलून इट कैन बी मिस्टर ए रिपेयर शॉप इट कैन बी मिस्टर ए डेंटिस्ट्री आउटलेट तो ये वो तमाम रिटेल सर्विसेज हैं जो कि सर्विस रिटेलर हैं और पर्सनल के थ्रू दी जा रही हैं इस पूरी कॉन्सेप्ट को किसी ना किसी तरीके से मैं अगर एग्ज़ाम्पलीफाई करूं तो हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपको दिखाने के लिए हैं जो कि हमारी तमाम डेफिनेशन के परस्पेक्टिव को कवर करेंगी इस एग्ज़ाम्पल के अंदर जिस तरह सबसे पहले हमारे पास ऑन योर अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो हमारे पास दो तरह की एग्ज़ाम्पल आपको नज़र आ रही है लेट्स ए सलून और स्पा के हवाले से सो so, हमारे पास रॉयली की एग्ज़ाम्पल है जो कि अगेन फ्लैगशिप स्टोर है बाय लॉलील और ये वो इदारा है ये वो कंपनी है जो कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से इस बिजनेस को लेकर चल रही है हमारे पास एक और एग्जांपल है जो कि अलग से सलीम स्पा एंड सलून सर्विसेज है और इस तरह के बहुत सारे और नाम आप अपने सराउंडिंग में यू विल ऑब्जर्व कर दे आर अवेलेबल ये वो लोग हैं ये वो नाम हैं कि जो कि अनऑर्गनाइज तरीके से काम कर रहे हैं और नॉर्मली ये सिंगल स्टोर्स हैं सिंगल रिटेलर्स हैं ये चेन स्टोर्स के अंदर ऑपरेट नहीं करें दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास माई डेंटल ग्रुप के हवाले से है अगेन चेन ग्रुप ऑर्गेनाइज तौर पे काम कर रहा है सो तो दोनों पैरामीटर्स के ऊपर क्वालिफाई करता है ऑर्गेनाइज भी है और चेन भी है जबकि ऑन द स्क्रीन कॉन्ट्ररी यू विल सी एन एग्जाम्पल जिसके ऊपर में देर इज मे बी चाइना डेंटल स्टोर मे बी ए बी सी डेंटल स्टोर और अगर आप ऑब्जर्व करें तो शायद हमारे सराउंडिंग एरियाज के अंदर बहुत सारे ऐसे डेंटिस्ट हैं जो कि रोड डेंटिस्ट जिसे हम स्ट्रीट डेंटिस्ट कहते हैं सो दे आर ऑल सेलिंग पर्सनल सर्विसेज एंड दे आर पर्सनल सर्विस रिटेलर सो दे आर सिंगल वन एंड दे आर अनस्ट्रक्चर्ड अनऑर्गेनाइज हमारे पास एक और एग्जाम्पल जिम के हवाले से फिटनेस क्लब के हवाले से पाकिस्तानी परस्पेक्टिव में अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास शेप्स मौजूद है जो कि एक चेन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इसी तरीके से इंटरनेशनली हम बात करते हैं तो स्टार जिम की एग्जांपल इज़ वन ऑफ द एग्जांपल जो कि स्ट्रक्चर्ड भी हैं स्ट्रक्चर्ड पर्सनल सर्विस रिटेलर्स भी हैं एट द सेम टाइम वो एक चैन के तौर पर भी ऑपरेट कर रहे हैं जबकि आपको ऑन द स्क्रीन यू विल सी नॉर्मल जिम जो कि हमारे एरियाज़ के अंदर अवेलेबल होता है और हम अपने यंग जनरेशन यंग टाइम के ऊपर वे ऑल बिन थ्रू ऑल दिस जिम एंड फिटनेस क्लब सेंटर्स ये अनऑर्गेनाइज्ड हैं नॉर्मली सिंगल पर्सन ऑपरेट कर रहे होते हैं सिंगल लोकेलिटी के अंदर होते हैं एंड दे आर कंसिडर्ड एज अनस्ट्रक्चर्ड पर्सनैल सर्विस प्रोवाइडर्स इसी तरीके से मैं आपके पास कुछ और एग्ज़ाम्पल देने लगा हूँ ताकि इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा और क्लियर करें इसी तरीके से अगर हम देखते हैं से स्टेट रिटेलर्स के हवाले से बात हो रही है गेन पर्सनल सर्विसेज में है स्टेट एजेंट्स की बात हो रही है तो ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी हमारे पास चौहान स्टेट की एग्जांपल है लोकल एग्जांपल है पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में है चेन स्टोर्स ऑपरेट कर रहा है सर्विस पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बाय सेल रेंट वो तमाम तरह की सर्विसेज जो कि एक एंड यूज़र को प्रोवाइड कर रहा है जबकि देन देर इज़ इस्लाम स्टेट और मे बी ए स्टेट और मे बी बी स्टेट और मे बी सी स्टेट और इस तरह के बहुत सारे स्टेट हैं जो कि इंडिविजुअली ऑपरेटेड अनस्ट्रक्चर्ड तौर पर ऑपरेटेड हैं और सर्विसज प्रोवाइड कर रहे हैं इसी तरीके से हमारे पास ब्यूटी सलून के अंदर वन एग्ज़ाम्पल मौजूद है एलानो की पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ द नेम्स में से है और अगेन चेन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं चेन स्टोर्स के साथ हैं स्ट्रक्चर्ड काम कर रहे हैं और पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लास्ट एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर आप देखते हैं तो बिस्मिल्ला हेयर ड्रेसर की है ये वही है जो कि अनऑर्गेनाइज तरीके से पाकिस्तान में इंडिया में और थ्रू आउट द वर्ल्ड दे आर देयर आर दे आर लाइक दिस इसी तरीके से डिफरेंट नामों से इंडिविजुअल ऑपरेट कर रहे हैं अनस्ट्रक्चर्ड हैं और एट द सेम टाइम ये सिंगल ऑपरेटेड है तो ये वो तमाम एग्ज़ाम्पल्स जो मैंने आपके सामने रखी हैं ये आपको हेल्प करेंगी सर्विस रिटेलिंग पर्सनल के केस के अंदर आइडेंटिफाई करने में और अगर आप इस पैरामीटर को पूरा उतारेंगे तो आप तमाम एग्ज़ाम्पल्स को अपने सामने रखें और देन इस डेफिनेशन को देखें जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी कि ये वो तमाम लोग हैं ये वो तमाम लोग हैं जो कि पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और सर्विस रिटेलर के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं